चैलेंज खत्म हुआ, हम वापस विलाए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट था मुझे और प्रियमता दोनों को, बिकॉज हमारे साथ में पहला मौका था चैलेंज परफॉर्म करने का एंड हमें एक्चुअली मौका भी नहीं मिला। दिस गेम शो इज नॉट अबाउट चैलेंजेस, जीत के सेफ होना, माय गेम शो इज टू जस्ट मी यू एंड आवर बॉन्ड एंड सी हाउ फार वी कैन टेक दिस। सो इसलिए मेरे को उस समय आई वाज डिसअपॉइंटेड बट नॉट एनी मोर। ऑनेस्टली आज भी मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ रहा था कि कंपटीशन में क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या होने वाला है। लाइक आई वाज जस्ट सो हैप्पी दैट आई जस्ट वांटेड टू परफॉर्म विद यू, क्योंकि मेरा शुरू से ही करने का मन था। एग्जैक्टली, तुम बोल रहे हो। सी मेरे को भी परफॉर्म करना था ना फर्स्ट चांस टुगेदर साथ। उनकी और चीजें फिल्मी ना। आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि हम दोनों को साथ में परफॉर्म करने का मौका मिला, तो धीरे धीरे करके वो गुस्सा और जो डिसअपॉइंटमेंट है वो एक्चुअली खुशी में बदल गया। स्विट्जरलैंड सरप्राइज। कैसा लगा? शॉकिंग, सरप्राइज था कि शॉक था? शॉक, शॉक था सर। आज का जो चैलेंज था उसमें आपने तीन लोगों के दांत तोड़े एंड आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। थैंक यू सर। ऐसे भी लड़के जिनको पिट में घुसने का मौका नहीं मिला। श्रेय, श्रेय इज लाइक मेरे को आज भी मौका नहीं मिला। मौका मिला था, आई वुडन्ट से कि बार बार मौका नहीं मिला, बट यहाँ पे हूँ। बट एट द सेम टाइम होप इस चीज़ की बची है प्रोग्रेस शो में कि आई हैव हर एंड एटलीस्ट मैं ये कनेक्शन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एंड शी इज वन टफ गर्ल, लेट मी टेल यू दिस गर्ल दैट यू फाउंड ब्रदर। एक टाइम था जहां पर सब लड़कियां ऐसे घुसी हुई है वहां पर, एंड शी लाइक मैं क्या करूं। फिर इसने कहा चलो दिखाने के लिए कुछ करती हूँ। इसने ऐसा हाथ डाला बॉल को, फिर कहती गर्ल्स लीव माय हैंड गर्ल्स। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। हां, ऐसे पहले बोल चुकी थी अगर ऐसा कुछ टास्क हुआ तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं भागूंगी, लड़ूंगी। दे अदर गेम्स, उसमें मैं अच्छा करूंगी। ओह, उदय और लोका। यस सर। एक एडवांटेज भी आप लोगों के पास। किसके साथ आप ओरेकल के सामने जाना चाहते हैं? जीनल। ऑलराइट जीनल, उदय। एलिस। एलिस, इससे पहले कि अब ये जान पाए कि आपने किसका नाम लिखा है यहां पर, अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज डोम ट्रिविया। अगर आप आइडल मैच बन गए, जिसका नाम आपने लिखा है, वो यहां से डंप हो जाएंगे। अगर आप आइडल मैच नहीं बने तो आप दोनों में से एक आज इस डोम में डंप हो जाएगा। अगर इनमें से जब इन्होंने चूज किया, जिनकी बारी आई, उस लड़के के पास एक पावर है कि वो सामने किसी को भी चूज कर सकता है, किसी भी एक लड़के को। वो और लड़की जाएंगे ओरेकल के सामने। अगर वो बन गया आइडल मैच, लेकिन अगर वो नहीं बने तो उनमें से एक आज डंप हो जाएंगे। पहले देख लेते हैं कि आपने किसका नाम लिखा है। रिद्या। क्यों सर? बिकॉज सबको वहां पे एक मैच है एंड अभी थोड़ी वो अकेली सी भी हो गई है। अकेली का है, हाँ तो क्या भावन? सर ये अभी अभी नया नया है, सो इट्स वेरी टफ। एलिस एंड उदय,
I'm really sorry, Priyamvada. Uday? You chose her now, Uday. So, आपका कोई say नहीं था इसमें? ये उसका ज्यादा था. मैंने इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमेशा ऐसे लोका के साथ लास्ट में प्रॉब्लम हुई. वैसे मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ दोबारा हो क्योंकि एक ना एक तो किसी ना किसी को तो जाना है ही. But I consider him a very close friend. मैंने उदय को सेव किया पहले भी और मैंने उसको हमेशा बोला कि मैं उसको कभी नहीं यार डंप करूंगी. तो आई एम इन शॉक. हृदय, आपने अपने क्यू कार्ड में किसका नाम लिखा है? उदय एंड एलिस. बिकॉज मुझे लगता है कि आप नहीं बनोगे. अरे लिखा क्यों? अच्छा ठीक है चलेगा. प्रिया मुदा जीनल एंड लोका वन ऑल श्रेय लोका एंड जीनल लोका जीनल. जैसे ही ओरेकल ने बोला कि आप एक आइडल मैच नहीं हैं, 2-3 पीपल हियर वर रियली अपसेट. यू हैड द बेस्ट डे इन स्प्लिट्सविला बोथ ऑफ यू. यस सर. आज के चैलेंज में ऐसा था कि सिर्फ तुम दोनों के लिए बनाया एंड वो एक डिसीजन की वजह से शॉर्ट लिव्ड रहा. डिसीजन आपका था, चॉइस भी थी. यू कुड हैव बीन जस्ट सिटिंग देयर. कोई और बनता या उनमें से कोई एक जाता. Chosen ones, Loka और जीनल में से आप लोगों ने किसको डंप किया है और क्यों? हम लोगों ने जीनल को डंप किया है. जीनल एक्चुअली मेरी रूममेट है एंड मैं लोका से भी बहुत क्लोज हूँ. जब ये टास्क हुआ था एंड वी हैड टू विन दिस अगेन, लोका ने हमारे लिए परफॉर्म किया था एंड सो दैट्स मी रिटर्निंग द फेवर टू यू. जीनल, आपकी जर्नी अभी खत्म. यू कैन से बाय टू योर फ्रेंड्स. आई कुडंट बिलीव दैट आई वाज द वन हु इज गोइंग होम आफ्टर वर्किंग सो हार्ड फॉर माय सेल्फ. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद जीनल के घर जाने में मैं कहीं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूं. जीनल विला से डंप हो चुकी थी. मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है अब. सबके सामने मेरा लिखो और फिर बोला तुझे नहीं फर्क पड़ता है. तो और बस कॉम्पिटिशन में रास्ते में नाम लिखे किसी और का. कैसा इंसान है क्या बात इसमें? मेरी गलती, मैंने उसको निकाला ना. मैं सह रहा हूँ, मैं ले जाऊंगा, तू जा छोड़. अगर आप समझोगे थोड़ी सी बात कि मैंने क्यों करी ये चीज, तुम सबके कनेक्शन बन गए, मैं अकेला रह गया यार. तू उसकी खुंदक मेरे पे निकाल के. अरे मैं खुंदक कहाँ निकाल रहा हूँ, सुन तो ले. अब लोगों को पता था कि श्रेय और मैं एक दूसरे के लिए फील करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे आइडियल मैच बनने में काफी रुकावट आने वाली है. कोई दोस्त ही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं. अब श्रेय और मैं ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम होने वाले हैं और हम दोनों को एक दूसरे के लिए रहना पड़ेगा. और वी हैव टू स्टैंड बाय ईच अदर.